पोर्टफोलियो भी एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल है और अक्सर यूज़ होता है स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में सीनियर लेवल्स पे, ख़ास तौर पे जहाँ सेमेस्टर चल रहा होता है वहाँ पोर्टफोलियो बड़ा इम्पॉर्टेंटली इस्तेमाल में होता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? वैसे तो हमने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो है उसका क्या, अगर आप एग्जैक्ट उसको डिफाइन करें तो वो पर्पसफुल कलेक्शन है। किस चीज़ की? स्टूडेंट के काम की। और वो किस लिए हम उसको कलेक्शन को रखते हैं, स्टूडेंट का जो काम है उसका कलेक्शन हम किस लिए मेंटेन करते हैं? ताकि वो पता चले कि स्टूडेंट्स की जो एफर्ट है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो अचीवमेंट है, वो किस एक एरिया में या करिकुलम के सारे एरियाज में उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या एफर्ट्स हैं, और वो जो हम मेंटेन करते हैं वो रिकॉर्ड, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। वो आपका किसी बुक लॉग की फॉर्म में हो सकता है, वो शीट्स की फॉर्म में हो सकता है, इवन फोटोग्राफी के थ्रू भी जो है ना, फोटोग्राफी के थ्रू भी आप मेंटेन कर सकते हैं कोई पोर्टफोलियो। अब ये फिगर आप देखिए, इसमें ये जो एक बच्ची है उसका आप देखें पोर्टफोलियो उसका मेंटेन हुआ हुआ है। उसमें उसके ग्रेड्स हैं, उसके उसके प्रीवियस ग्रेड्स हैं, कमेंट्स भी हैं, उसने गोल्स को भी देखा हुआ है, उसमें अवार्ड्स को मिले हैं वो भी बात उस हुई हुई है। फिर उसके बाद जो एकेडमिक स्किल्स हैं आपकी वो भी आ गई हैं, सोशल स्किल्स उनकी जो हैं वो भी हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, क्रिएटिव स्किल्स पे भी बात हुई हुई है, फिर आपके लर्निंग प्लान्स क्या हैं, ये सारी जो सारी का सारा रिकॉर्ड है जो मेंटेन हुआ हुआ है, सारी प्लानिंग जो मेंटेन हुई हुई है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जो मैंने अभी कहा कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है, जो कि फाइल्स की फॉर्म में हो सकती है, जो कि फोटोग्राफ्स की फॉर्म में हो सकती है, लूज शीट्स की फॉर्म में हो सकती है, वो जो सारी चीज़ें हम ओवर अ पीरियड हम उसको मेंटेन करते हैं उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। और इसमें आप देखें, उसने कहा कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको रिकॉर्ड भी मिलेगा जो कि स्टूडेंट ने जो डिफरेंट एरियाज में उसकी प्रोग्रेस है वो उसके आप जो जो हुई हुई है तो उसका रिकॉर्ड और उसकी जो सारी है उसको हम पोर्टफोलियो में मेंटेन करते हैं। अब ये देखें ना, जो प्रोग्रेस की बात है और डिफ स्पेसिफिक एरियाज में, मैं फिर पिछली स्लाइड पे जाती हूँ। स्पेसिफिक एरिया की बात जब हुई थी, ये देखें कितने सारे इस वाली स्लाइड के ऊपर उसने कितने एरियाज को कवर किया हुआ है। कॉग्निटिव स्किल्स, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है, जो आपके ये देखें कितने एरियाज हैं जो कि इसके अंदर आप देखेंगे कवर हुए हैं। और मुख्तलिफ उन्होंने कहा ना कि मुख्तलिफ एरियाज को और उन सारी को हम जो मेंटेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि जी ये पोर्टफोलियो है, उसका रिकॉर्ड भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी, उसकी प्लानिंग भी, पीछे क्या है, आगे क्या करना है, उस सारे की मेंटेनेंस को मुख्तलिफ फॉर्म में जो हो सकती है हम उसको कहते हैं पोर्टफोलियो।